21 अगस्त इसके पहले आपने उस गांव में देखा होगा हमको कि जहां तमाम वो जनता सब वो इकट्ठा थी, उनका वही पेड़ वगैरह का बांटने का प्रोग्राम था। कल फिर हमको जाना होगा। अब वहां से लौट के आए हैं तो ये सामने देखिए आप, यही हम दुनिया वालों से कहते हैं, अरे भैया काम करो, कथा सुनो मत सुनो। कथा सुनने के लिए भगवान ने नहीं भेजा। ये चने रखे हैं, ये रोटियां रखी हैं तोड़ के, मिसेज ने तैयार किया हुआ है, और ये गाय पड़ी है। अभी बिल्कुल ऐसे लेटी थी, हमारी आवाज़ को सुनी है तो अब इनको ये उठ नहीं पा रही। ये वही गाय है जो हमारी यहाँ 17 मार्च से मेरे यहाँ घर पर पड़ी है। सब कुछ है, गोबर करती है, चारा भी खाती है, लेकिन उठ नहीं पाती है पीछे के घाव से। अब अभी अस्पताल जाएंगे, जाके बातचीत करेंगे। यही गाय सुबह इस फाटक के पास गिर गई थी इसी फाटक में। आज हमने कहा भैया अंदर मत करो इनको, ये फाटक ऐसा खुला था और ये गाय उधर से आई ऐसे मुड़ के इसी में, काफ़ी उसको सब देखिए घाव वगैरह चोट लगा, गर्दन बिल्कुल टूट गई थी। अगर मैं ना आ गया होता ये मर जाती सड़क पर। हमने कहा भैया तुम बीचों बीच सड़क पर रहो आराम से, वो सब फेनाइल वगैरह है, वो भी बड़ी महंगी महंगी दवाइयाँ आती हैं। अब इनको फेनाइल वो सब रोज लगाना है ताकि ये मक्खियाँ, वरना मक्खी अब तक इनको खा जाती। तो उठने का कोशिश करती है बेटी हमारी, पानी उनी वहाँ दे गई है और उठ पाती नहीं है पीछे ढल से। अब अस्पताल भाग के जा रहे हैं वहाँ पर कि भाई कोई इंजेक्शन अगर आता हो तो इसको लगाओ, ये पीछे के ढल से कम खड़ी तो हो जाए। बाकी गोबर वगैरह सही करती है, बेटी ने सुबह घास छील के दिया है। आने वाले समय में बेटी जब लखनऊ जाएगी, वहाँ रहेगी जा करके, तब फिर उस वक्त हमारे सामने कितनी दिक्कत होगी। तो दुनिया वालों, कथा सुनने वालों, मंदिर बनवाने वालों, इससे बड़ा न कोई मंदिर है, न इससे बड़ी कोई कथा है, न इससे बड़ी कोई भागवत है। ऐसे कामों में आँखों से देखो, या देखिए उठना चाहती है तो उसे गिर जाती है। बाज इसकी हालत हमको कुछ गड़बड़ी ही लग रही है। ये देखिए, देख रहे हैं, जाएं अस्पताल जाएं जा करके, क्या बचाएं। ये देखिए सुबह वहाँ गिरी थी, ये सब यहाँ छिल उल गया था। अच्छी खासी गाय खाती पीती, अब ये उठने को कोशिश करती है तो नहीं उठ पा रही। इंजेक्शन देखिए, जाके बात करेंगे भी। अब एक आदमी हम कहाँ कहाँ जाएं, कैसे कैसे करें। अब भुवन सिंह को फ़ोन करो, उनका वो बहुत राशन कार्ड से आते हैं बेचारे, अरे वाते जाके इसके दवाई लिखवा लाओ। अरे हम भी तो आदमी हैं, बाहर से लौटे हैं सब पेड़ का कार्यक्रम कर करवा के वहाँ से, है हजारों पेड़ जहाँ लगना है तो वहाँ भी जाना ज़रूरी था। वहाँ के वो सिंगर साहब, वो लोग सब ज़मींदार हैं वहाँ के, तो वहीं यही अपनी परेशानी हम कैसे बताएं। यही कहा भाई, हमारा मतलब कोई हमने ठेका तो लिया नहीं है और न ही भगवान ने हमको ठेका दे रखा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इसमें सही चीज़ को देखो, सही चीज़ में लोग मदद करो, सही जगह पर। मेरी मदद नहीं है, वो तुम्हारी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी को ही मदद मान लो। अब बीचों बीच सड़क पर देखिए चित्र पड़ी है, आज हमको हालत इसका गड़बड़ लग रहा है, फिर भी हम कर्तव्य तो करेंगे। अभी जाएंगे अस्पताल, जा करके इंजेक्शन लिखवाएंगे। बैंक में है वो भी हड़ताल होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है, तो अभी उनसे मंगला जी से क्षमा चाहेंगे कि भाई हमारे पास जो है वो हमको ये अकाउंट का नंबर खोल करके या भुवन सिंह का नंबर दे के मैं दे रहा हूँ, तो उसमें अपने जो कुछ भेजना उजना है अपना भेजेंगे। अभी एक आदमी लगा है 2 दिन से, वो भी लंबी छुट्टी पर गया, वो बाबा जो आता है रोज, अब कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, अब कल आवेगा, अब कल फिर उसी कार्यक्रम में उस गांव में हमको जाना पड़ेगा। तो देखो असली सेवा यही है, किसी को लाओ उसको निभाओ। अब आज हमारे समाज में केवल फॉर्मेलिटी, केवल हाँ भैया उठ जाओ शाबाश है। अरे देखो ओहो, ऐसे उठ के बैठो, ऐसे उठ के बैठ जा, मक्खी मां नोच रही है, जब उठाओ तो नहीं उठेंगी, देख रहे हैं।
ऐसे जानवरों को हम तो ये कहते हैं भैया किसी को कष्ट हो तुरंत उसकी मौत हो जाए, छुट्टी उसको मिले। बस कीड़े पड़ के हम जानवर को मरना नहीं दे सकते हैं कि कीड़े खा रहे हैं जीते जी। जैसे उस पागल के अस्पताल में कीड़े निकाले गए हैं, आज इंसान घूम रहा है, जवान लड़का किसी का बेटा होगा है, अब वो सड़कों पर घूम रहा है, वो पैर से उसके कीड़े कभी 500-600 कीड़े लोगों ने निकाले, वो भी पशु अस्पताल में, तब जाके उन्होंने उसको हॉस्पिटल फिर भेजा। क्योंकि हर जगह तो हमारे यहाँ कानून चलता है ना, अरे वो वहाँ आके बैठा था, उन लोगों ने खिला पिला दिया, उसकी थ्री ड्रेसिंग किया। एक बाहर के कोई डॉक्टर साहब थे, वो भी आए थे, जिसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। तो मैं कैमरे को बंद कर रहा हूँ, और कहाँ तक हम दिखावें, कहाँ तक समझावें, लोग देखो समझो करो। हाँ, यहाँ नहीं कि कोई हमारे ऊपर एहसान करो या कोई हमारा गया करो, हम तो कहते हैं अच्छी काम को करो, अपने इलाके में करो, मन लगा के करो। इससे बड़ी ना कोई पूजा है, ना कोई सेवा है, ना अरे भाई कथा सुनने के लिए भगवान ने हमको नहीं भेजा है। ओ पंडित जी कथा कह रहे हैं, ओ भागवत बैठा है, ओ मंदिर के क्या नाटक करते हो यारो, अरे काम करने के लिए आए हो, काम करो। और हमें बता दो, ये तो गीता में लिखा हुआ है, ऐसी कोई भी गाय की सेवा, मैं तो गधा और घोड़ा और कुत्ते की सेवा करता हूँ, और वो भी गीता में लिखा हुआ है। तो हम गीता के अनुसार चल रहे हैं, अब हमें पागल कहो, हमें बेवकूफ़ कहो, हमें सब मंजूर है, लेकिन अपने मुंह पर थप्पड़ जरूर मार लो कि तुम गीता के हिसाब से नहीं, तुम अपनी गीता चलाते हो, तुम्हारी सबकी गीता अलग अलग है। तो अब समय, इस समय 2:30 करीब करीब बज रहे हैं, अब हम रवाना होंगे। तो वाणी को मैं विराम देता हूँ, यही बार बार हर जगह का मैं वीडियो बना लेता हूँ, और बना बना लोगों को मैं दिखाता हूँ। और हमारे मंगला साहब जुड़े हैं बेचारे, हमको बहुत एक भाई जो कि अग्रवाल समाज के लोग हैं, और अग्रवाल समाज जो है वो धर्म की धुरी है। पूरे भारत में जितना भी आज तक धर्म के नाम पर, बस यह है कि यह समाज में मंदिर और पंडित जी और भागवत जी वो ज़रा ज़्यादा चलता है, लेकिन चलो धर्म को जिंदा तो रखे है। हमारा मंगला समाज हो और चाहे वह अरे वो अग्रवाल समाज की ही सारी कैटेगरियाँ हैं, जैसे हम लोग पंडित में मिश्रा हैं, हम मिश्रा जी हो गए, शुक्ला जी हो गए, तिवारी जी हो गए, वाजपेयी जी हो गए, हैं पंडित हैं ब्राह्मण, लेकिन उनकी एक अलग अलग वो एक वो बना दी गई है। इसी तरीके से तो हमारे जो उनसे बातचीत हुई, बेचारे धार्मिक आदमी हैं, बिल्कुल घरेलू जैसा उन्होंने हमसे मिला जुला व्यवहार किया। तो अब उनको अकाउंट नंबर हम अब कोई देखिए भुवन सिंह से जानकारी करेंगे, वरना फिर कोई नया अकाउंट खोल करके बता देंगे, भाई पैसे वैसे आएंगे तो उसी से हमको एक सहारा मिल जाएगा। अब इतना बड़ा देखिए जंगल हो गया है कहाँ, अरे हमारे एक आदमी कितना काम करेगा। अब ये फावड़े से हमारी बेटी इसको छीलती है, छील के वो घास गैया को दे देती है, फिर यहाँ अपने अब्जी सब्जी जो कुछ लगाना होगा फिर अपने लगाएगी। यहाँ से वहाँ तक ससरा 52 बीघा तक चला गया है यहाँ पर। अब कोई हम खाली जगह तो रखते हैं नहीं, हर जगह पेड़ लगा दो भाई, खाली जगह थोड़े रखना है। ये सामने आप सब देख रहे हैं बंदर वार्ड, कुत्ता वार्ड, अब वो सब वो तो सर्प वार्ड हो गया है। अब की बार इनको मंगला साहब, हमारे संजय मंगला साहब एक बिल्कुल पारिवारिक आदमी है, नहीं जैसे लगता है कि हमारे परिवार का आदमी हो वैसा उनका व्यवहार है। अब जब सांप गर्मियों में निकल के पानी पिएगा तो मैं वीडियो उसकी बनाऊंगा, और इसके बाद जब सांप इसके अंदर से निकलेगा तब भी, अगर देखिए बाई चांस की बात है तो वो भी देखेंगे। तो ये खंडार जो है ये भी हमको ठीक कराना है, जो हमारे कमरे के अंदर सांप घुसा हुआ था जिसको कुल 7 लोगों ने देखा है। यही मेरा कमरा है, अंदर मैं बैठता हूँ, और यहाँ पर जो है ये बाहर से सील है, वो अंदर पता नहीं वो नागराज कहाँ से घुस गए पता नहीं चला। हम बिना पेड़ पौधों के रह नहीं सकते हैं यहाँ। ये देखिए मालती है, अभी इसी एक महीने के बाद बड़ी सुगंध देगी ये। उसके बाद में ये देखिए चमेली है, ये आपकी चमेली है ये, और ये रात रानी है, ये फूल जो देख रहे हैं, और ये जाली लगी हुई है, तब इसमें रात में सुगंध जो है वो जाता रहता है। तो यही है, सब जाली वाली सब लगा रखे हैं।
तो यही सब बताना चताना लोगों को, देखो भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। बाकी दुनिया में कहीं चले जाओ, बस पैसा 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 कमाने के जरिया यूट्यूब क्या हो गया है। अब एक दालचीनी खाइए और तीन पत्ती खाइए और शुगर को भगाइए, अब लगता है कि उनके बराबर दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसा कीजिए वैसा कीजिए और इसको लाइक कीजिए और क्या सब्सक्राइब कीजिए, वह उनको पैसा मिलना। हर आदमी के दिमाग में बस पैसा, धर्म के मतलब नहीं है। कितने गीत आज हम जिस गाड़ी से गए थे उसमें बजरंग बली पर ना मालूम कितने भजन बने होंगे, लेकिन बजरंग बली की सेवा पर कोई गीत भजन नहीं बना, यहाँ तक कि जलोटा ने भी नहीं गाया। ना 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 ना, लिहाजा इस वीडियो को देखने के बाद जलोटा साहब ज़रा बजरंग बली की असली पूजा पर तो भजन गा दो, असली पूजा पर। लेकिन हमारे समाज में होता क्या है, बड़े लोग हैं मंच लग गया और फिर वो बड़े बड़े गायक आ गए और वो बिल्कुल आसमान के उस सितारे बन जाते हैं। अरे वो भूल जाते हैं कि उनको भी मरना है, जैसे एक गरीब को मरना है, जैसे उनको मरना है, जैसे एक जानवर को मरना है। तो सोचना चाहिए, सेवा पर बात करो, सेवा की बात करो। लेकिन दुनिया में मुट्ठी भर लोग हैं पूरे विश्व के अंदर, क्या कारण है कि हमसे दो ही चार लोग जुड़ पाए, क्या कारण है? यूट्यूब पर हजारों लाखों ने देखा होगा, दो ही चार लोग हमारी मदद को क्यों खड़े हुए भाई? क्यों? वो इंसान हैं, उनको गर्व करना चाहिए को इंसान हैं और अगले जन्म फिर वो इंसान बनेंगे। यही प्रकृति का नियम है, यही साठ वेद पुराण भागवत में लिखा हुआ है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, और यह है गीता का ज्ञान। जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी, जय अमित शाह।